चेतक आपने साथ सुना होगा, तो चेतक का एक जो अपडेटेड वर्जन है, अभी तक आपने इंडियन पेट्रोल में चेतक को देखा था, पर अब जो अपडेटेड वर्जन में आ रहा इलेक्ट्रिक में आ रहा है, इलेक्ट्रिक में मतलब काफ़ी इसको चेंज कर दिया गया है, तो उसी का मैं ओवरऑल रिव्यू जो है वो मैं आपको दूंगा। और इस रिव्यू में आपको पूरी डिटेल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा जितनी आपके लिए सफिशेंट है बुक कराने तक के लिए। तो आइए दिखा देता हूँ मैं आपको एक फर्स्ट लुक चेतक का। तो ये रहा हमारा चेतक ब्लू कलर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा हुआ है, डिस्प्ले में है। दिल्ली में ये चेतक है, मोती नगर में हम लोग मोती नगर आए हुए हैं, आप भी यहाँ आकर से बुक करा सकते हैं। तो जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस हैं मैं आपको बारी बारी से कुछ बता दूंगा अच्छे से डिटेल में। तो फर्स्टली हम इसके फर्स्ट लुक से बात करेंगे। इसका लुक एकदम मतलब काफ़ी यूनिक सा लुक आप देखने को आपको लग रहा होगा। पूरी बॉडी आपको मैं बता दूँ, पूरी बॉडी मेटल की बॉडी बनी हुई है, जैसे मैं आपको बता दूँ आप सुन रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। उसके बाद जितना भी है मैं आपको बारी बारी से एक बार लोग आगे से लास्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको उसका टायर का बता देता हूँ। 13 इंच का टायर आपको प्रोवाइड होगा और ये ही इसके साथ आगे डिस्क ब्रेक मिलती है आपको। डिस्क ब्रेक के साथ ये डिस्क ब्रेक आपको मिलेगी 180 mm की डिस्क ब्रेक है। उसके बाद यहाँ पे लीडिंग लिंक सस्पेंशंस दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे सस्पेंशंस, लुक अच्छा बना रहे हैं गाड़ी का। उसके बाद हम ऊपर आते हैं, ऊपर यहाँ पे मरघाट दिया हुआ है। मरघाट के बाद एक बार जरा मैं आपको दोबारा से बता दूँ, वो अलॉय व्हील्स हैं और ट्यूबलेस व्हील्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर हम लोग आ गए, ऊपर आपको लुक देखने को अच्छा लग रहा होगा, लुक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये साइड इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर चेतक का लोगो दिया हुआ है जैसा आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपकी ऊपर ग्रीन नंबर प्लेट लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप लाइटिंग देख रहे होंगे, DRLs दिए हुए हैं, सबसे प्रीटी लुक बना रहे हैं यही DRLs इस चेतक का, सबसे मिलते हैं एकदम खूबसूरती जो निखार रहे हैं इसकी चेतक की, यही DRLs बना रहे हैं उसमें। इसके बाद इसी में LED लाइट्स दिए हुए हैं, एक बार LED लाइट्स आपको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑन हुए हैं LED लाइट्स। उसके बाद लो बीम और हाई बीम आप देख रहे हो, लो बीम हाई बीम यहाँ पर दिया हुआ है। उसका अगर मैं लाइट बंद कर देता हूँ, लाइट हो गई है बंद। उसके बाद आप लोग जरा इधर आ जाइए, मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ, कैसे इसके फीचर्स दिए हुए हैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं हम, तो फीचर्स में इसमें मतलब पहले आप इधर का लुक देखिए, एक बार एक लुक देखेंगे ना आप लोग तो आपको समझ में आएगा कि क्या फिनिशिंग से काम किया है कंपनी ने। तो फिनिशिंग से काम बढ़िया सा मस्त कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जी जो ब्रेक के पास दिया हुआ है, ब्रेक के पास आप ये बटन देख रहे होंगे, इस बटन को जैसे ही आप प्रेस कर दोगे ये ब्रेक लग जाएगी। मान लीजिए कि जैसे कई बार होता है कि आप गाड़ी लेके खड़े हो और आपने ब्रेक लगाई, आप ब्रेक पकड़ के खड़े नहीं रह सकते हो बहुत देर तक, तो आप इसको प्रेस कर दोगे ब्रेक लगी रहेगी, उसके बाद जैसे आप इसको दबा दोगे ये ख़त्म हट जाएगा अपने आप ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको फीचर्स बता दूँ, काफ़ी सारे आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, पर बटन्स आप देख रहे होंगे कि कितने मतलब स्टाइल डिज़ाइन देखिए, आप डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा दिया हुआ है, लुक देख रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी से बाहर है, सब कुछ ऐसा लग रहा है इसी के साथ एकदम इन बिल्ड, एकदम अच्छे से फिटेड है। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्प्ले देख रहे होंगे, एक बार डिस्प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, और कितनी इसकी रेंज है, कितनी मतलब चार्ज है, किलोमीटर, सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहीं पर ही लाइट शो होती रहेंगी, अभी न्यूट्रल में है, जैसे हम इसको हटाएंगे न्यूट्रल से यहाँ पर और दूसरे साइन बन के आने लगेंगे, यहाँ सारे आपको साइन दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये मैंने आपको बता दिया सिस्टम, यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी आपको लाइट ऑन करके दिखाई थी, तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको ऑन करोगे, देखिए आपको लाइट दिख रही होगी, ऑन हो गई है। और उसके बाद ये रहा इसका लो बीम और हाई बीम, ये रहा दिया हुआ है, ये आपको समझ में आ गया। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर आपको शो होने लगेगा जो भी यहाँ पर ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद ये रहा आपको ब्लूटूथ कनेक्शन, यहाँ से आपको प्रोवाइड होता है, यहाँ से आप जैसे ब्लूटूथ ऑन करेंगे आपके मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा ऐप के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, इधर ही आ जाइए। यहाँ पर ये रहा आपको साइन इंडिकेटर दिया हुआ है, ये देखिए इंडिकेटर ऑन हो चुका है, यहाँ पर शो हो रहा है। पीछे भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इंडिकेटर ऑन हो चुका है, तो ये इंडिकेटर इस साइड को ऑन हो गया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर बंद कर देता हूँ इंडिकेटर को। उसके बाद ये इसका हॉर्न, आपने सुन लिया हॉर्न कितनी लाउड। अब इस साइड आ जाते हैं, इस साइड इसके मोड्स दिए हुए हैं। तो मोड्स का मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें आप देख रहे होंगे कि अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख रहे होंगे मार्केट में जो आ रहे हैं, उनमें सिर्फ साइड स्टैंड ही दिया हुआ है, बट इसमें डबल स्टैंड भी दिया हुआ है। ये चीज़ थोड़ी सी मतलब इसको अलग बनाती है और कंपनियों की गाड़ियों के थ्रू। जैसे आप इसका साइड स्टैंड ऊपर कर देते हो, जैसे ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार प्रेस करना पड़ेगा ड्राइविंग मोड। जैसे आप यहाँ पर ड्राइविंग मोड प्रेस करोगे, ये गाड़ी चलने के लिए एकदम रेडी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स मोड इसमें दिया हुआ, रिवर्स मोड काफ़ी इजी दिया हुआ है, बस आपको रिवर्स मोड पे प्रेस करना है, उसके बाद आपको बस दबाना है और गाड़ी पीछे होने लगेगी। ज़्यादा कोई खास स्पीड नहीं मुझे रिवर्स मोड में, बस हल्का फुल्का पीछे करने के लिए ही होती है। उसके बाद ये रहा, इसमें आपको एक बार मैं थोड़ा सा ध्यान से बता देता हूँ, देखिए इसको अगर आप एक बार सिंगल दबाएंगे प्रेस करेंगे, देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ सही से बंद करके, एक बार मैं फिर से दबाता हूँ, देखिए कितनी स्मूथली खुल रहा है, आप देख ध्यान से देख सकते होगे। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद हो गया। तो अब मैं इसको आपको बता देता हूँ, अभी आपने ये देखा कैसे ऑन होता है, एक बार मैं आपको इसी बटन के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी कैसे ऑन होती है। इसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि हमने वैसे अभी लॉन्ग प्रेस किया, ये देखिए लॉन्ग प्रेस करते ही डिग्गी इसकी खुल गई है और आपको एक साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। जब तक आप डिग्गी बंद नहीं करोगे तब तक वो साउंड बंद नहीं होगा, ठीक है। तो इसका स्पेस मैं अभी आपको बता दूँ, अभी मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। ये देखिए साउंड हो गया बंद, तो इससे आपको इंडिकेट होता रहेगा कि आपकी डिग्गी खुली हुई है। कई बार होता है कि आप बैठ जाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बेनिफिट है। उसके बाद यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपका इको मोड और स्पोर्ट मोड ऑन हो जाता है। इको मोड में रहती है स्टार्टिंग में, उसके बाद स्पोर्ट मोड में चली जाती है। ये है इसका साइन इंडिकेटर दिया हुआ है इधर साइड का, देखिए एक बार ऑन करके दिखाया तो साइन इंडिकेटर ऑन हो चुका है, पीछे से आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। आ जाइए इधर, ये हो गए इसके आगे के जितने फीचर्स मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये आप इसके साइड मिरर्स देख रहे होंगे, मेटल के बने हुए हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अभी तक मेटल में मैंने कहीं में से रेयरली ही देखा होगा, बाकी अभी तो मेटल में कोई भी कंपनी नहीं बना रही है इसको। मतलब आप देख रहे हो ट्राइंगल शेप में कितना बढ़िया लुक बना रहा है, अगर आप चाहें इसको ऐसे भी ऑन कर सकते हैं। एक बार इसको ना आगे से दिखा देना कैसे लग रहा है, ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो देखिए मतलब कैसे स्टैंडर्ड सा लुक तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हो। ये इसकी हो गई ओवरऑल आगे के व्यू की हमने बात कर ली है। उसके बाद हम लोग जरा पीछे आ जाते हैं, पीछे थोड़ा मैं बता देता हूँ, उसके बाद पूरा मैं आपको आगे स्पेस भी बता दूँगा कितना क्या स्पेस इसमें दिया हुआ है। तो एक बार जरा आप पीछे आ जाते हैं, तो पीछे आप एक बार जरा देख रहे होंगे साइड रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। साइड रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पर आपकी आती है नंबर प्लेट और यही लाइट दी हुई नंबर प्लेट के लिए। और देख रहे हो मतलब क्या क्लासी सा लुक इसको तैयार करने की कोशिश करी, एकदम कोने टाइप में होता है ना, एक प्यारा सा लुक होता है वैसा लुक देने की कोशिश करी हुई है। ये साइड इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये लाइट्स दी हुई हैं, ठीक है। बस और कुछ खास इसमें पीछे है नहीं, पीछे इसमें बस यहाँ पर दिया हुआ है चेतक का, आपको एक बार लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी पीछे भी काफ़ी अच्छा सा लुक दे रहा है मतलब। उसके बाद हम लोग जरा इसके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो है मोटर इसकी। तो अब हम इसकी मोटर की एक बार बात कर लेते हैं, तो इसमें कोई बेल्ट नहीं दी हुई है, ये चेन ड्राइव मोटर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर यहीं पर मोटर को बिल्ड लगा दिया गया है कंपनी की वजह कंपनी ने। और मोटर की मैं आपको जो किलोवाट है वो बता देता हूँ, 3.8 किलोवाट की मोटर है और इसका जो पीक पावर है 4.2 किलोवाट इसका पीक पावर है मोटर का, काफ़ी अच्छा पीक पावर देती है कंपनी
कंपनी इसकी मोटर में, और बीएल इसकी मोटर है, हम मोटर है ये, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि इसमें कुछ भी चेन का कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, तो सर्विसिंग का खर्चा आपका काफ़ी बचा देती है ये। तो यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम जो पीछे वाले टायर पे दिया हुआ है, तो पीछे वाले टायर पे जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है, ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं, और आगे वाले में मैंने आपको बता दिया था डिस्क ब्रेक दी हुई है, ऑयल ऑपरेटेड है डिस्क ब्रेक, तो कोई इशू नहीं आता है। उसके बाद यहीं पर इसके अंदर बैटरी फिट कर रखी है, तो बैटरी जो है वो 3 किलोवाट की बैटरी है इसमें लगी हुई है। और बैटरी की अगर वारंटी की बात कर लें तो 3 ईयर्स की वारंटी है और 50,000 किलोमीटर मतलब कंपनी आपको देती है, ठीक है। उसके बाद एक बार मैं डिग्गी ऑन कर देता हूँ और इसका स्पेस दिखा देता हूँ आपको, डिग्गी का भी क्या कितना स्पेस इसमें लिया हुआ है। तो देखिए कैसे इसकी आवाज़ ऑन हो गई है, तो ये आवाज़ मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि आवाज़ अगर इसकी ऑन आती है तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी एक लाइट दी हुई है, ठीक है, और स्पेस इसमें इतना ही है कि आप हाफ हेलमेट फेस वाला हेलमेट इसमें लग सकता है, और कोई खास स्पेस इसमें नहीं है जितना मैंने देखा। यहाँ पर ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये रहा यहीं पीछे दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और आवाज़ आप सुन रहे होगे डिग्गी, जब तक बंद नहीं करूँगा आवाज़ बंद नहीं होगी, पर बंद कर देता हूँ डिग्गी, लीजिए आवाज़ बंद, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको ऑन करके दिखाया था, पर मैंने इसका नहीं बताया कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑन हो गया है, कितना ईजीली ऑन हो जाता है। यहाँ पर आपकी दी जाती है फर्स्ट एड किट और टूल किट, ये देखिए दी हुई है बजाज की तरफ से, बहुत इजीली यहाँ पर रखी हुई है। और ये जो पुराना वाला चेतक था उसमें भी ऐसे दिया जाता था, तो उसी के लुक को मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ दी गई है। ये देखिए एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा इसका एक लंच बॉक्स जितना चार्जर, ठीक है ना। अब चार्जिंग का मैं इसे एक बार रख देता हूँ, मैं आपको चार्जिंग का बता देता हूँ कि चार्जिंग जो है 0 to 100 अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। चार्जिंग की बात हो गई, मैं इसको एक बार अंदर रख देता हूँ, यहीं पर ही देखिए कितने इजीली आप इसको ऐसे रख सकते हैं। साइड में दिखा देता हूँ, ये देखिए आपने जैसे इसको खोला, यहाँ पर आप अपना USB पोर्ट दिया हुआ है, आप अपना यहाँ पे फ़ोन लगाइए चार्जिंग पे, और यहाँ बंद के यहाँ पर आप लगाने के बाद आप यहाँ साइड में अपना चार्जर फ़ोन रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, बस इसमें इतना ही दिया हुआ था, बंद कर दिया मैंने इसी। तो एक बार मैं इसका आगे का आपको मैं दिखा देता हूँ, तो इसको आप जैसे एक बार आप पुश करोगे तो देखिए आपने पुश कर दिया, पुश करने के बाद आप इसमें 3 kg तक का वेट आप इस पर होल्ड कर सकते हो यहाँ पर, और इजीली यहाँ पर रख सकते हो, काफ़ी स्पेस आगे दिया हुआ है यहाँ पर आप पैर रखने के लिए, ठीक है। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, और लेदर सीट दी हुई है, काफ़ी अच्छी सीट दी हुई है, मतलब आपको इजीली यहाँ पर पकड़ने के लिए, और मतलब कंपनी चाहती तो नॉर्मल सा ऐसा भी दे सकती थी, बट कंपनी ने इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग लुक देने के लिए ऐसे पर बना के दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी ओवरऑल लुक की बात, थोड़ी एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसमें साइड में देख रहे होंगे कि ये देखिए साइड में आप जैसे ये देख रहे होंगे ये ऑन हुआ, मतलब आप लुक देख रहे हो मतलब कैसा लुक बना रही है। अगर मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक ही लुक में चल कर आ रहा है, बट पूरा मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब ये इसके अंदर मतलब लगा हुआ है। आप जस्ट इजीली यहाँ पे इसको ऑन कर लो, जब आपको यूज़ करना हो आप उसके बाद जैसे आप इसको बंद कर लोगे इजीली बंद हो जाएगा, आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है, फुटरेस्ट दिया हुआ है, फुटरेस्ट भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, मतलब इसको कलर मैच कराया गया है, तो मतलब अगर आप ऊपर रखते हो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी लुक की बात, सारी बात कर लिए, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कितने मोड्स दिए हुए हैं, क्या क्या इसकी स्पीड है। तो अगर हम इसकी बात कर लें मोड्स की, तो मोड्स इसमें 2 दिए हुए हैं, फर्स्ट मोड दिया हुआ है इको मोड और दूसरा मोड दिया हुआ है स्पोर्ट मोड। जो इको मोड में इसकी रेंज रहती है, रेंज मैं बता दूँ आपको, तो वैसे तो ओवरऑल रेंज में अभी आपको बताऊंगा, बट जो इको मोड में इसकी रेंज रहती है वो 95 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट मोड में रहती है इसकी 85 किलोमीटर के आसपास रहती है इसकी रेंज, ठीक है। और जो इसकी टॉप रेंज है वो 95 ही है इसकी रेंज, और जो टॉप स्पीड की बात करूँ जो स्पोर्ट मोड में इसकी जो टॉप स्पीड जाती है वो 70 जाती है टॉप स्पीड, और इको मोड में इसकी टॉप स्पीड वही 50 to 55 के आसपास चली जाती है ईजीली, ठीक है। इसकी मैंने रेंज की बात कर ली है और मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया, आप इसके ज़्यादा एक बार मैं कलर बता देता हूँ,
ये चार कलर में आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप इजीली बुक करा सकते हैं। तो ये ब्लू कलर तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ब्लैक कलर है और रेड कलर है और एक क्रीम ग्रेविश कलर है करके, वैसा एक और कलर है, तो ये चार कलर में आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ऑन कैसे किया जाता है, आप आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑन होता है। तो ये देखिए इसमें दो चीज आपके साथ दी हुई, वैसे इसका कोई काम नहीं है, ये आपके 1.5 मीटर के दायरे में अगर आप इसको अपने रखते हो तो ही गाड़ी ऑन होगी, और ऑन होने के लिए इसमें कोई की चाबी कुछ नहीं लगता है, कोई बटन भी नहीं लगता है, बस इजीली आप इसको बस एक बार ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे और बस छोड़ दीजिए। ये देखिए गाड़ी हो गई ऑन, ये देख लिया आपने। और एक बार मैं बता देता हूँ कि ऑफ कैसे होती है, आगे एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको ऑफ कैसे होती है। तो आप इसको डबल टैप करेंगे, ये हो गई गाड़ी बंद। तो इसको ऑन ऑफ करने का यही प्रोसीजर है। तो ये था गाड़ी का पूरा ओवरऑल व्यू। तो अब हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो जिसका एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,49,350। तो ये हो गई इसकी प्राइसिंग, और अब मैं आपसे आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसको बुक करा सकते हैं। तो बुकिंग के लिए आप इसको ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, और आप इसकी अगर आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो आप इसकी टेस्ट ड्राइव भी वहीं से ही बुक कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव बुक करते हैं तो ये आपको मोती नगर की लोकेशन दिखा देगा जहाँ पर अभी हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं। तो और अगर आपको बुक करनी है इजीली तो आप इसको बुक करेंगे तो आपको इसके चारों कलर आपके सामने आ जाएंगे, प्राइसिंग दिखा देगा आपको, और जो भी है पूरी डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। आपको फॉर्म फिल करना है इजीली, जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे गाड़ी बुक हो जाएगी। जब ये गाड़ी यहाँ आ जाएगी उस यहाँ अगर दिल्ली में है तो अगर यहाँ अगर गाड़ी आ जाएगी उसके बाद आपको पैसे पे करने हैं, आप अपनी गाड़ी इजीली ले जा सकते हैं। और नेक्स्ट केस आपका अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस में आप गाड़ी बुक कराने के बाद यहाँ पर आएंगे इजीली, उसके बाद यहाँ पर गाड़ी आने के बाद आपका फाइनेंस कर देंगे और उसके बाद इजीली आप गाड़ी ले जा सकते हैं घर, ठीक है। तो ये हो गई गाड़ी की बात, और ऐसी ही यूनिक वीडियोस के लिए और रिव्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजीली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।